नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टावर न्यूज। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं सारण जिले के छपरा में अवस्थित मनीष जी के घर। मनीष जी इस बार 2023 में एसएससी सीजीएल कंप्लीट करके सीबीडीटी में असिस्टेंट पद पर चयनित हुए हैं। हालांकि मनीष ने अभी इससे पहले भी कई सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, जिसमें 2018 में इनकम टैक्स मल्टीटास्किंग में उनका सिलेक्शन हुआ था। मनीष 2019 में यूपीएससी के सीएपीएफ में सिलेक्ट हुए थे। मनीष 2019-20 CDS में सिलेक्ट हुए थे। मनीष ने 2022 में नेट क्वालिफाई किया था, JRF के लिए है। अभी मनीष दिल्ली में है, JRF की काउंसलिंग करवा रहे हैं, लेकिन हम पहुंचे हुए हैं उनके घर उनके परिजनों से मिलने, क्योंकि पूरे मोहल्ले में पूरे शहर को जो मनीष ने गौरव प्रदान किया है अपने सिलेक्शन से, पूरे शहर पूरे मोहल्ले में हर्षोल्लास है। आइए उनके परिवार वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि मनीष के सिलेक्शन पे उनका क्या कहना है। सबसे पहले बात करते हैं उनके पिताजी से। सबसे पहले तो सर बधाई हो आपको कि आपके बच्चे ने पूरे शहर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मनीष के जो बचपन गुजरे उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और क्या क्या करते थे वो बचपन में? बचपन से होना था, वो ENDE में पढ़ाई किया और उसके बाद में अप्लाई सब JRF क्या क्या सब बात सब निकाला, बाकी ना गवर्नमेंट किया है, मगर अभी जो निकाला है आयकर विभाग में, तो सभी मोहल्लेवासी परिवार शहर का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं क्योंकि मनीष से प्रेरणा लेने वाले बहुत से बच्चे होंगे, अभी बहुत विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए जानना चाहूंगा कि मनीष कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वो रात में पढ़ाई करता था, वो रात में करीब 3 बजे के बाद सोता था, 7 बजे सोता था, फिर दोपहर में थोड़ा सा नींद लेता था, मतलब कम सोता था, पढ़ाई करता था। 5-6 घंटा पढ़ाई रात में करता था और परीक्षा आएगा ना तो 10-12 घंटा तक पढ़ाई करता था वो। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, उसके बाद मैं जो उनके पड़ोसी हैं आपके चाचा हैं उनसे भी बात करूंगा। मनीष जब पढ़ाई कर रहे थे या अभी कहाँ हैं और इससे पहले मनीष क्या कर रहे थे सिलेक्शन होने से पहले? दिल्ली में PhD करने की तैयारी कर रहा था और बोले कि मतलब बहुत तेज था वो, उसके बाद पूछा नहीं है, ना ट्यूशन था ना कोचिंग था, वो अपने मेरिट से सब किया है सब। अच्छा, मनीष कोचिंग ट्यूशन नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो अक्सर इस बात की जिक्र किया करते हैं कि परिस्थितियों के अभाव में या संसाधन के अभाव में वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा सर बता रहे हैं कि मनीष ना ट्यूशन करते थे ना कोचिंग करते थे, सिर्फ मोबाइल और सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करके वो आज कई सारी उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं। आइए उनके चाचा जी से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बधाई हो आपको भी, और मैं आपका नाम भी जानना चाहूंगा। बधाई हो सभी को। अजीत कुमार सिंह, दहियावां टोला। मनीष शुरू से बहुत पढ़ने में तेज था, मेघावी था, हम लोग नाम ऊंचा किया है बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए इनके बड़े पापा, मनीष के बड़े पापा से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बधाई हो आपको भी। बधाई हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मनीष बचपन से उनका स्वभाव कैसा था और पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। और इसी है कौन स्कूल है आर ना CPS स्कूल से मैं पढ़ते थे और वहीं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद था मोहल्ला में पूरा कहीं इधर उधर जाना ना, दिन रात पढ़ाई में रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मनीष के जो भाई हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, और आप मनीष के बारे में क्या कहना? मेरा नाम, पहले पहले आपको सबको बधाई आपके चैनल के माध्यम से। वो मेरा छोटा भाई है और वो मनीष शुरू से ही लगनशील था और पढ़ाई के प्रति आत्मनिर्भर था, व्यवहारिक था, पढ़ाई के साथ साथ भी कि मतलब बहुत अच्छा तैयारी, वो उसका ENDE स्कूल से परीक्षा पढ़ाई की है वो, उसके बाद ग्रेजुएशन यहीं से किया है, उसके बाद बहुत से अच्छा 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो, JRF हुआ, CDS का भी हुआ और ये मल्टीटास्क का भी हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब 5-6 साल में 6-7 रिजल्ट दिए, वो बहुत लगनशील और लड़का था वो। अच्छा, छपरा में या जो छोटे शहर हैं उनके यहाँ जो बच्चे रहते हैं, जो तैयारी करने वाले लड़के रहते हैं, अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास संसाधन की कमी है। वैसे में मनीष जैसा आप लोगों ने बताया कि ट्यूशन कोचिंग कुछ नहीं करते थे और हर बार क्वालिफाई करते थे, इसका कारण आपको क्या लगता?
हम तो वही कहेंगे जो लड़के कहते हैं ना कि ट्यूशन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये देखिए जो हाईटेक हुआ ना अपना, ये जो मोबाइल का ज़माना जो आया, यूट्यूब चैनल वाले ये सब हुआ, इसके माध्यम से अपना वो पढ़ाई करता था, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, अपने दम पर ही और जो था मोबाइल से अपना यूट्यूब से जो भी हो अपना वही टैलेंट पे इसने अपना मुकाम हासिल किए हैं। हमें बहुत ही और सब लड़कों के लिए भी ये आह्वान है कि इनके इससे देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये कोचिंग वो कोचिंग भी है, अगर लगन मन में लगन हो, बस दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी एग्जाम और ये कोई भी दुनिया में हासिल करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। उस लड़के में मैं यही देखा और आगे के बच्चों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं और अगर आपके मन में लगन है, अगर आपके मन में उत्साह है, आत्मबल है, तो आपको संसाधनों की कमी किसी उपलब्धि को अर्जित करने से रोक नहीं सकती। अब आइए बात करते हैं मनीष जी के छोटे भाई अनीस से और जानते हैं कि अपने बड़े भाई के बारे में इनका क्या कहना है और क्या ये उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं? अभी हम स्टडी कर रहे हैं। किस क्लास में? नहीं मतलब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, आपके बड़े भाई ने लगातार कई सारे रिजल्ट प्राप्त किए, कई सारे परीक्षा फल उनके पक्ष में आए, वो क्वालिफाई किए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बहुत अच्छा किए हैं और वो लगन से मेहनत कर रहे थे इसलिए वो ये सब अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। अच्छा, आप उनके साथ रहते थे, साथ में पढ़ाई भी करते होंगे, क्या सीखने को मिलता है अपने बड़े भाई से? मतलब एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी है कि टाइमिंग, कि मतलब आप ज्यादा फोकस कीजिए उस पर और ज्यादा मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए, यही ज्यादा सीखने को मिलता है। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पे भी होते हैं और इसके बाद भी आपके रास्ते खुले हुए हैं, जब आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम है, कम्पिटेटिव एग्जाम भी होंगे, आप क्या करना चाहते हैं? जी हम भी SSC की तैयारी करते हैं, बैंक रेलवे। और बड़े भाई से कुछ मार्गदर्शन मिलता है कि नहीं? जी मिलता है। क्या बताते हैं जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सीखने को। जी अगर बेहतर तैयारी करना है तो आप 6 से 8 घंटे अपना पढ़ाई कीजिए और मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वो बेहतर रहता है। अच्छा, किन किन सब्जेक्ट पे खासा ध्यान देना होता है SSC जी के लिए? इंग्लिश में, इंग्लिश सबसे जरूरी होता है क्योंकि बाकी सब चीज हो भी जाएगा, इंग्लिश का एक बड़ा पैटर्न है और इंग्लिश मतलब यहाँ पे हिंदी कल्चर में इंग्लिश बहुत जरूरी पड़ जाता है, इसलिए इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करें। तो अभी हमारे साथ अनीस जी थे जो मनीष के छोटे भाई हैं और ये भी तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ग्रेजुएशन में हैं और ये तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो इंग्लिश पे खास ध्यान दें। आइए अब मनीष के बड़े भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं मनीष के सिलेक्शन होने के बाद। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपके माध्यम से, सभी भाई भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बधाई हो। रोशन शुरू से ही पढ़ने में होनहार लड़का था, हम लोग को विश्वास था कि रोशन ये मुकाम तक पहुंचेगा, शुरू से ही विश्वास था उस पर। अब आइए बात करते हैं मनीष के सबसे छोटे भाई से और जानते हैं कि इस उपलब्धि पे जो मनीष क्वालिफाई हुए हैं, जो मनीष की जो सिलेक्शन हुआ है मनीष का, उसे लेकर उनके छोटे भाई क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद, और आपके माध्यम के तहत हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं जो भी हमारे भैया को इतना प्रोत्साहित किया, उनके वजह से ये जो सिलेक्शन हुआ उनका, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? जी मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है, अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमारी भी तैयारी चल रही है सर गवर्नमेंट जॉब का ही, और अभी हमारी तैयारी अभी अच्छी चल रही है। अच्छा मनीष जी, इससे पहले भी कई सारी उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं, कई सारे फील्ड्स में, कई सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम थे उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, इसके बाद SSC CGL जैसे प्रतिष्ठित जो एग्जाम है उसमें क्वालिफाई होना? देखिए ऐसा है कि भैया बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे और जहाँ तक बात होगी पढ़ाई का, तो हमेशा ही क्लास में वो टॉपर में रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई की जो मतलब क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, उनकी जो मतलब जो IQ है वो बहुत अच्छी है। और जहाँ तक ये जॉब्स का सवाल रहा, तो भैया इससे पहले भी CHSL, MTS तथा आपको ये CDS, CAPF, IB ये सब एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने नीट GRF हिस्ट्री से उन्होंने किया था जिसमें उनको 99.68% था, जो कि बिहार में सेकंड रैंक था उनका। और उसके बाद उन्होंने इस साल SSC का जो CGL एग्ज़ाम होता है, वो जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसमें क्वालिफाई करके उन्हें इनकम टैक्स में CVDT के तहत उनको असिस्टेंट का पोस्ट दिया गया है।
जिससे वो मतलब इस साल वो ज्वाइन करने वाले हैं, तथा इस मौके पे घर वाले परिवार सब हर्षोल्लास से सब खुश हैं, गांव मोहल्ले में उनकी उनकी चर्चाएं हो रही है। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ थे मनीष जी के परिवार, पूरे शहर की तरफ से, फेरी डाउट की तरफ से मनीष जी को बहुत बहुत बधाई। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।